अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, नए फ्रेश होंगे, ताज़े होंगे, या जो कोर आर्टिकल के साथ हाजिर हूँ कि आपने किस तरह लोबिया लगाना है। जी, लोबिया का वक्त आ गया है और आपने लोबिया लगाना है, तो आपको मैं तरीके बताऊँगी कहाँ कहाँ लोबिया लगा सकते हो। आपने उस जगह में लगा देना है लोबिया जहाँ पे लोग फसल नहीं लगाते, बेसिकली वहाँ पे कुछ होता नहीं है। अगर आपके यहाँ लहसुन है तो आप लहसुन के बनियों पर लगा सकते हो, अगर आपके यहाँ प्याज है तो बनियों के प्याज के बनियों पे लगा सकते हो, गन्ने में भी लगा सकते हो, तंबाकू में भी लगा सकते हो, उसके अलावा आप जो लगा सकते हो करेलों की ज़मीन में भी लगा सकते हो। तो चलो मैं आपको तरीका बताऊँगा किस तरह लोबिया को लगाना है, उसके बाद आगे जो मुकम्मल प्रोसेस होगा वो आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह। अगर आपने चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो सबसे पहले आपने लेना है जो लोबिया, वो ये वाला ले लेना है किसी शॉप से, ये कोई हाइब्रिड नहीं होता, ये पाकिस्तानी लोबिया है, तो ये ले गए। उसके बाद आपने स्टार्ट कर लेना है और अब बनियों पे, अगर आपके पास मशीन है लगाने वाली, मकई लगाने वाली जो हाथ से चलती है। आपने फासला देना तो आपने इतना फासला देना है, ठीक है, एक बालिश्त का। तो उसके बाद जो है आपने दो दो इंच, एक एक इंच के नीचे लगा देना है, ठीक है, दो काम हो गए। तीसरा जो काम है वो आपको स्प्रे जो इसके ऊपर जो इंसेक्ट का स्प्रे लगाते हैं, जो इसमें कीड़े मकोड़े का स्प्रे होते हैं, वो कोई ऐसा स्प्रे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पानी भी कोई नहीं मांगता, बस सिर्फ आपने लगा देना है, बाकी अल्लाह जाने, अल्लाह का काम है भाई। सिर्फ बारिश होती रही हो तो ठीक है, ना भी हुई तो अगर एक बार निकल जाए ना फिर काम हो जाता है इंशाल्लाह, आपके घर का लोबिया निकल आता है आपके किसी दो चार बनियों से भी, और पैदावार बहुत ही आई होता है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, कमेंट, लाइक।